वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं झंडू कफ सिरप के बारे में। झंडू कफ सिरप की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि इसके यूज, डोज, बेनिफिट और साइड इफेक्ट के बारे में। अगर आपको किसी भी प्रकार की खांसी, ब्रोंकाइटिस, सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी जैसी कोई भी समस्या है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। झंडू कफ सिरप एक आयुर्वेदिक मेडिसन है, जिसे मुख्य रूप से तुलसी, सौंठ, लौंग, हल्दी, शहद जैसी विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से मिलकर बनाया जाता है और इसे झंडू कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप के उपयोग के बारे में। इस सिरप का उपयोग मुख्य रूप से सभी प्रकार की खांसी, ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे कि सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, गले में खराश, नाक बहना, गले और नाक में बलगम का जमना, क्रोनिक खांसी, ब्रोंकाइटिस जैसी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर आपको सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, ब्रोंकाइटिस या इनसे जुड़ी कोई भी समस्या है, तो आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप के कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट के बारे में। वैसे तो इस सिरप के कोई साइड इफेक्ट नज़र नहीं आते, क्योंकि यह एक आयुर्वेदिक मेडिसन है, फिर भी इसे यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप की डोज के बारे में। इस सिरप की डोज वैसे तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें, और 3 से 12 साल के बच्चे को 5 ml और एक सामान्य व्यक्ति के लिए 10 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद यूज कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप को यूज करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी इस सिरप को यूज करना चाहती है, तो इसे यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें, और अल्कोहल यूज करते समय इस सिरप का यूज ना करें। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप की MRP के बारे में। इस सिरप की MRP है 100 ml सिरप आपको 95 रुपए में हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको झंडू कफ सिरप की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। आयुर्वेदिक मेडिसिन नॉलेज से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।